बात है 1863 की, एक फ्रीक इंसिडेंट जिसके बाद एक शहर का सितारा अगले 100 साल तक गर्दिश में जाता रहा और वहीं एक दूसरे शहर का उदय होता है जो अगले 100 साल तक साक्षी रहा भारत के कई ऐतिहासिक लम्हों का। हम बात कर रहे हैं आज की हिमाचल की राजधानी शिमला की, जिसको इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे क्या हुआ था 1863 में और उससे भी पहले, जब ये जगह उस समय के नेपाल या गुरखा किंगडम के पास जाते जाते रह गई थी। बात करेंगे इसके भूगोल की और इसके आसपास 10 खूबसूरत जगहों की। दरअसल शिमला की कहानी शुरू होती है 1809 में, शिमला से 200 किलोमीटर दूर प्राचीन और खूबसूरत कांगड़ा में। उस समय गुरखा सेना अंडर अमर सिंह थापा हिमालय के कई इलाकों को जीतते हुए पहुंची कांगड़ा। हार साफ देख उस समय के कांगड़ा के राजा संसार चंद के भाई पहुंचे महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगने, विच ही एग्री टू अंडर सर्टन कंडीशंस, जिसमें एक थी कि कांगड़ा फोर्ट उनके अंडर आ जाएगा। और उसके बाद हुई गुरखा सिख वॉर। सिख फोर्सेस के पास उस समय की आधुनिक आर्टिलरी थी, जबकि गुरखा आर्मी लड़ रही थी लार्जली ट्रेडिशनल बोज एंड एरोज से। द बैटल वॉज एक्चुअली क्वाइट वन साइडेड एंड इसमें गुरखा आर्मी का काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद वो सतलुज नदी के अराउंड दक्षिण की तरफ चले गए और वहाँ फोर्टिफिकेशंस बनानी शुरू कर दी। दिस एंड लेटर द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गुरखा सिख अलायंस अलार्म्ड द ब्रिटिश, जिसके बाद हुई एंग्लो गुरखा वॉर 1814 में। दो साल भीषण लड़ाई चली पर अंत में 1816 तक ब्रिटिश आर्मी प्रिवेल। और फिर 1816 में ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई, जिसके बाद शिमला का ये एरिया ब्रिटिश के अंडर आ गया। उस समय यह ज्यादा कुछ था नहीं घने जंगलों के अलावा, एक्सेप्ट बाय सम अनकन्फर्म्ड अकाउंट्स अभी की जाकू हिल पर एक मंदिर और दो चार घर। वैसे भी भारत में पहाड़ों पर प्राचीन शहर वैलीज या प्लेटूज में ही बसे होते थे। अंग्रेजों के आने के बाद ही इनको पहाड़ों की रिजेस पर बसाने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ और इसी के चलते शिमला का शहर ओवर सेवरल ईयर्स 7 हिल्स पर बसा, जो आज भी शिमला के 7 मेजर स्पॉट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। शिमला के इन हिल्स पर पहुंचा जा सकता है रोड, रेल और एयर तीनों से, एज यहाँ शिमला के एयरपोर्ट के साथ साथ है खूबसूरत शिमला कांगड़ा रेल। और इनमें सबसे नीचे 6500 फीट पर है समर हिल, जिसके टॉप पर है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एंड कालका शिमला रेल स्टेशन भी। फिर इसके ऊपर 7050 फीट पर है ऑब्जर्वेटरी हिल, जहाँ टॉप पर है वाइस रीगल लॉज, अर्लियर होम टू ब्रिटिश वाइस रॉय, नाउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। फिर यहाँ से एक हिल जो कहलाती है प्रॉस्पेक्ट हिल जाती है लेफ्ट में एट 7200 फीट, जहाँ टॉप पर है कामना देवी टेम्पल। यहाँ से सीधा आती है शिमला की फोर्थ हिल इनवेरहम हिल, जहाँ टॉप पर आती है हिमाचल प्रदेश विधानसभा एट अगेन अराउंड 7200 फीट। सीधा चलते हुए पास करते हैं हम फेमस ओबेरॉय सेसिल होटल को और शिमला रेलवे स्टेशन, एंड देन आती है फिफ्थ हिल बैंटनी हिल, जिसके टॉप पर है कालीबाड़ी मंदिर एट 7500 फीट। इससे आगे आती है शिमला रिज एंड शिमला मॉल रोड, जिसके दूसरी तरफ पड़ता है लक्कड़ बाजार ऑन आर सिक्स्थ हिल एलसीएम हिल एट 7500 फीट। फिर यहां से राइट से एक शार्प अपहिल लेकर आती है शिमला की सेवंथ हिल जाकू हिल, ये एट 8000 फीट है शिमला का हाईएस्ट पॉइंट, जहां है जाकू मंदिर और हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा ओवरलुकिंग दी एंटायर शिमला सिटी। मेन हाईवे जो शिमला को इंडियन प्लेन से कनेक्ट करता है वो है नेशनल हाईवे 5, जिस पर अभी हम दोबारा आते हैं। पर शिमला के आउटस्कर्ट्स में इसके साथ से एक रोड कटती है स्टेट हाईवे 13, जो पहले पहुंचती है शिमला से आधा घंटा दूर मशोबरा के खूबसूरत हैमलेट, जहां है पुराना प्रेसिडेंशियल रिट्रीट, ब्यूटीफुल कैरिग्नेनो नेचर पार्क एंड इसके पास ही है माँ भद्रकाली मंदिर। लगभग 8000 फीट पर मशोबरा स्टेट हाईवे 13 का हाईएस्ट पॉइंट है। इसके 15 मिनट आगे इसी रोड पर आता है खूबसूरत नालधेड़ा, जहां हिमाचल का ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स है, जिसके बाद हम इस रोड पर आगे चलते हुए तेजी से ऑल्टीट्यूड लूज करते हैं और सतलुज नदी के किनारे पहुंच जाते हैं नालधेड़ा से लगभग 1 घंटा दूर मंडी डिस्ट्रिक्ट में, जहां एंट्री पर ही आता है तत्ता पानी, जिसका मतलब ही होता है हॉट वाटर, एज यहाँ है नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड वाटर एक्टिविटीज। मशोबरा के 8000 फीट से तत्ता पानी की ये जगह सिर्फ 3000 फीट पर लोकेटेड है, इंडिकेटिंग द डीप वैली दैट सतलुज रिवर हैज कार्व्ड इन इट्स कोर्स।
यहाँ से वापस आते हैं शिमला और कंटिन्यू करते हैं नेशनल हाईवे 5 पर। ये हाईवे 1850 से अंग्रेजी शासन के दौरान बनना शुरू हुआ था। इन इसको उस समय बोला जाता था हिंदुस्तान तिब्बत रोड, एज ये जाता है तिब्बत बॉर्डर पर शिपकिला पास तक। शिमला तक की सड़क इस हाईवे का पहला मेजर पड़ाव थी, जिससे शिमला की इम्पोर्टेंस बढ़ी। यहाँ का मौसम और खूबसूरत नज़ारे फॉर एडेड एम्बेलिशमेंट्स फॉर द ब्रिटिश। और देखते ही देखते दो चार घरों से शुरू होकर ये एक बड़ा टाउन बन गया। हालांकि इस टाउन का सितारा असल में जागा 1863 के बाद। दरअसल उस दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल टू इंडिया वॉज लॉर्ड एल्गिन, और वो चाहते थे कि मैक्लॉडगंज बने इंडिया की समर कैपिटल। पर एज फेट वुड हैव इट, ही डाइड इन 1863 और शिमला बनी इंडिया की समर कैपिटल इन 1864। 1905 के कांगड़ा अर्थक्वेक के मैसिव डैमेज के बाद मैक्लॉडगंज की इंपॉर्टेंस और डिक्लाइन कर गई फॉर द ब्रिटिश। एंड इट वॉज नॉट अंटिल 1959 विद द कमिंग ऑफ दलाई लामा व्हेन मैक्लॉडगंज रीगेन्ड इट्स पास्ट ग्लोरी। तो अब नेशनल हाईवे 5 पर आगे चलते हैं, और अगर ट्रैफिक ना हो तो यहाँ आधा घंटा दूर है 8500 फीट पर कुफरी का हिल स्टेशन, जहाँ देखने के लिए है चीनी बंगलो एंड एक फन वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क। ये जगह अपने पुराडो फार्म्स के लिए भी फेमस है। शिमला से थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड पर होने की वजह से यहाँ स्नो ज़्यादा टाइम तक रहती है, और कुछ स्कीइंग एक्टिविटीज़ भी होती है फॉर एडेड अट्रैक्शन। यहाँ से एक रोड जो है स्टेट हाईवे 8 जाती है टू चैल, जो कुफरी से एक घंटा दूर है। ये फेमस है अपने चैल पैलेस के लिए एट 7200 फीट। 1891 में बना ये खूबसूरत पैलेस वो द समर रिट्रीट ऑफ महाराजा ऑफ पटियाला। ऑल्सो पास ही में है एक हिल टॉप पर लोकेटेड काली का टिब्बा मंदिर। यहाँ से वापस आते हैं नेशनल हाईवे 5 पर, एंड इस रोड पर आगे चलते हुए हम पहुँच जाते हैं हिमाचल की एप्पल बेल्ट, जहाँ आता है फागू एंड थियोक के खूबसूरत विलेजेस। एंड देन इस हिंदुस्तान तिब्बत रोड का हाईएस्ट टाउन नारकंडा एट 9000 फीट। नारकंडा के पास ही एक छोटी पर खूबसूरत तानी जुब्बर लेक है, एंड इस रीजन का हाईएस्ट पॉइंट भी यहीं पर है, हाटू पीक एट 11000 फीट, जहां है एक खूबसूरत हाटू मंदिर और भीमशिला। सेदार और फर के पेड़ों से ढकी इस पीक से पूरी शिमला डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत व्यूज मिलते हैं। शिमला से अगर हम नेशनल हाईवे 5 पर इसके साउथ में जाते हैं बियॉन्ड कंद घाट, तो यहाँ से सवा घंटा दूर आता है 5000 फीट पर लोकेटेड सोलन, जहाँ है खूबसूरत चटोली शिव मंदिर। और पास ही जस्ट 15 मिनट्स अवे है बारोक, जो फेमस है अपने खूबसूरत रेलवे स्टेशन के लिए एंड जहाँ है शिमला कालका रेल रूट की सबसे बड़ी टनल। इसके बाद शिमला से 2 घंटे आगे आता है कसौली का टाउन एट 6000 फीट, जो एक समय पर अगेन ब्रिटिश आर्मी की कैंटोनमेंट थी, एंड जहां देखने के लिए है सनसेट पॉइंट, यहां की खूबसूरत हेरिटेज मार्केट, क्राइस्ट चर्च एंड एक हनुमान टेम्पल एट मंकी पॉइंट।